लियो हाय, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। ये है रीडिंग अगस्त 24th टू अगस्त 31st का। ये जो हफ्ता है उसके लिए ये रीडिंग है। हम देखेंगे कौन सी एनर्जीज हैं जो आपके इर्द गिर्द रहेंगे इस हफ्ते के दौरान। तो इसी के साथ अगर आपका सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन प्लस आपका नॉर्थ नोड अगर सिंह राशि में है, लियो साइन में है, तो ये जो रीडिंग है आप लोगों के लिए है। तो हम शफल कर लेते हैं कार्ड्स को। मेरे पास है द स्टार सीड ऑरेकल डेक, बेइंतहा खूबसूरत डेक आप ही की तरह। तो शफल कर लेते हैं सिंह राशि के लोगों के लिए। थैंक यू सो मच। टू मोर टाइम्स, थैंक यू। वन मोर टाइम। शून्य। अर्थ स्कूल, तो जमीन के साथ जुड़ने का, अपनी विरासत के साथ, अपनी मर्यादा के साथ, अपने संस्कारों के साथ दोबारा जुड़ने का ये हफ्ता जो है वो एनर्जीज कुछ ऐसी हैं। लाइफ लेसन, सोल ग्रोथ, स्टडी, हार्ड लर्निंग, कुछ सीखने का, कुछ नया सीखने की अगर इच्छा हो तो ये हफ्ता आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये देख रहे हैं ये शख्स, ये बाहें फैलाकर कुछ नया सीखने के लिए वो एक्साइटेड है, इसलिए वो बाहें फैलाकर रेडी है उस नई एनर्जी को अपने जीवन में लाने के लिए। सेल्फ सोल ग्रोथ के बारे में ये संकेत देता है, तो मुझे हायरोफेंट की एनर्जी नज़र आ रही है। मैंने अगेन जैसे कहा, अपने बड़े बुजुर्गों की हिदायत को सुनना। हो सकता है आप में से कुछ लोग कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस से गुजर रहे हों जहां पर आपको सलाह की ज़रूरत हो, तो ये जो कार्ड है ये इस बारे में भी संकेत देता है कि अपने बड़े बुजुर्गों की जो आपकी हिदायत वो दें आपको, वो आपके जीवन में वो उस एक्सपीरियंस में आपको हेल्पफुल हो सकती हैं। लाइफ लेसन्स, तो हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने कार्मिक लेसन्स जो हैं वो कंप्लीट किए हैं पिछले कुछ दिनों में। एंड आई रिमेम्बर जो लियो की जो एनर्जी रही है अगस्त के महीने में वो अप डाउन वाली रही है, वो राजा और महाराजा वाली, यू नो, शिफ्ट प्रोग्रेशन उसके बारे में रही है। तो स्टडी लर्निंग अगेन, आपको बहुत सारे कार्मिक लेसन शायद सीखने को मिले हैं। अब उन लेसन से जो भी आपने सीखा है उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करने का समय है। अब ये नहीं है कि सीख लिया, उसके नोट्स बना लिए और उसको अलमीरा में अपनी क्लॉजेट में रख लिया। नहीं, वो जो नोट्स बनाए हैं ना उसको अभी अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने का टाइम आ गया है। और ये हफ्ता आपके लिए उसी एनर्जी में आपके लिए रहेगा। अगेन मैं कहने को तो कह सकती हूँ कि ये जो टाइम फ्रेम है ये वीकली रीडिंग है, लेकिन टाइमलेस है ये। कुछ लोगों के लिए कभी मैनिफेस्ट होगी, कुछ लोगों के लिए कभी। हम सब एक इंडिविजुअल बीइंग्स हैं, राइट? और हम सब की एक फ्रीक्वेंसी है, हम सब का एक एनर्जेटिक फील्ड है। तो कुछ मुझे नहीं पता कि आप कौन सी फ्रीक्वेंसी, मुझे खुद का पता है, राइट? तो कुछ लोगों के लिए ये अभी हो सकती है, कुछ लोगों के लिए कुछ दिन के बाद, लेकिन ये पॉसिबल एनर्जी है मेरे लियोस के अराउंड जो कि इन आने वाले दिनों में रहेगी। तो ये कार्ड ये भी बताता है कि तैयारी कर लीजिए। अगर सादे और सिंपल शब्द में कहूँ तो तैयारी कर लीजिए। अब आप पूछेंगे किस चीज़ के लिए नाज, तो मैं कहूँगी आपको पता है, आपको पता है कि क्या कुछ नया आने वाला है आपके जीवन में। वो रिश्ता भी हो सकता है, हायर स्टडी भी हो सकती है, ट्रैवल भी हो सकती है। वो आपको पता है कि आप किस चीज़ के लिए काफ़ी समय से सोच रहे थे। ये यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि हाँ, वो चीज़ अब पूरी होने वाली है और अब तैयारी कर लीजिए बस आप, ठीक है? वो जो बस नोट्स बनाए हैं ना अपने कार्मिक लेसन जो सीखे हैं इन द पास्ट, अब उन्हें इम्प्लीमेंट करने का भी समय आ गया है। यहाँ पर मुझे डेफिनेटली हायरोफेंट की एनर्जी बहुत महसूस हो रही है गाइज। हायरोफेंट का जो कार्ड है, मेजर आर्काना कार्ड है टैरो डेक में सबसे पहले, और ये जो कार्ड है उसमें दो कीज होती हैं, दो चाबियां जो होती हैं वो डिपिक्ट हुई होती हैं उस कार्ड में। तो मिसिंग पीस, अगर कोई ऐसी मिस्ट्री है जिसे आप सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको उसका मिसिंग पीस मिल सकता है इस हफ्ते के दौरान, और उससे भी आपको लिब्रेशन का महसूस होगा, आपको आभास होगा, आपको लगेगा कि आप लिब्रेटेड हो गए हैं। वो जो जंजीरों में अब जकड़े हुए थे, उन जंजीरों को खोलने की चाबी मिल गई है आपको। समझ रहे हैं आप मेरी बात? अगेन मैं कह रही हूँ ये बात कि मुझे बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है हायरोफेंट की एनर्जी। अगर आप किसी जंजीरों में जकड़े हुए थे अभी तक, तो मैं आपसे कह रही हूँ ये जो चाबियाँ मुझे जो नज़र आई हैं ना, ये चाबियाँ आपको
उन जंजीरों को खोलने के लिए ही दी गई है, और वो जो मिसिंग पीस है ना वो आपको मिलेगा इस हफ्ते के दौरान, और आपको काफ़ी अच्छा लगेगा उससे। अब जो आपके दूसरे कार्ड्स हैं वो भी देख लेते हैं। मेरे पास है मूनोलॉजी ऑरेकल डेक, ये भी बे इंतहा खूबसूरत डेक आप ही की तरह और इस खूबसूरत सेटअप की तरह। तो लियो सिंह राशि, थैंक यू सो मच। Whoops, nope, I'm not ready. Two more times. I am not ready. One more time. Shunya, thank you. इंटरेस्टिंग गाइस, ये कैंसर की रीडिंग में भी निकला था, तो आप में से कुछ लोग कैंसर कर्क राशि के लोगों के साथ भी कनेक्टेड हो सकते हैं। बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, फुल मून इन पाइसेस, मीन राशि के शख्स के साथ आपका भी कनेक्शन हो सकता है स्पेसिफिकली। तो आप में से कुछ लोगों के लिए ये गाइडेंस है इस हफ्ते के लिए कि आप अपने कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड में थोड़ा सा बैलेंस लेकर आइए। अब आपके जीवन में जो नई चीज़ें आ रही हैं ना, उसको उससे इतने एक्साइटेड मत हो जाइए कि आप अपनी स्पिरिचुअलिटी का जो लिंक है उसको ही तहस नहस कर दीजिए। ये बैलेंस इसी की ओर इशारा कर रहा है। ठीक है कि खुशियां आ रही हैं आपके जीवन में, लेकिन उससे इतना उत्साहित नहीं होना कि आपको सुदबुद्ध ही बाकी चीज़ों की भूल जाए। आपने बाकी चीज़ों की सुदबुद्ध को नहीं गंवाना, बैलेंस से चलना है। हर इमोशंस की अपनी एक वैल्यू है। एक ही इमोशंस में नहीं रहना कि वो आप बाकी सब चीज़ों, बाकी अपनी जो जिम्मेदारियाँ हैं उन्हें भूल जाएं। तो स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, आपका इनर वर्ल्ड, आपका आउटर वर्ल्ड, आपका जो रूटीन है वो करते रहिए, ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होना। जो काम करने वाले हैं उन्हें ख़त्म कीजिए, जो जिम्मेदारियां हैं उन्हें निभाइए, लेकिन ये जो अबंडेंस, ये प्रॉस्पेरिटी, ये जो नया जीवन आपकी लाइफ में आ रहा है इसका भी स्वागत कीजिए। ठीक है, तो अब आपका देख लेते हैं टैरो कार्ड। मैं एक ही टैरो कार्ड को निकालूंगी इस रीडिंग के लिए। लियो, थैंक यू सो मच। टू मोर टाइम्स, वन मोर टाइम। शून्य, थैंक यू। पेज ऑफ सोर्ड्स, कम्युनिकेशन, कुछ लोगों के लिए एयर साइन भी हो सकता है ये शख्स मुझे नजर आ रहा है आप ही की तरह। वैसे ये लियो भी हो सकता है, मुझे पता नहीं क्यों इस एयर साइन से लियो की एनर्जी महसूस हो रही है। इट्स वेरी स्ट्रेंज, आई नो। पेज ऑफ सोर्ड्स कम्युनिकेशन के बारे में ये बात करता है ये कार्ड, लेकिन यहाँ पर जो मुझे एनर्जी महसूस हो रही है, अगेन मैं यही कहूँगी कि अपने दिमाग को थोड़ा सा अपने काबू में रखिए। ये जो शख्स है ना, ये सिर्फ बात करने के लिए आया है, पता नहीं इसने तलवार क्यों उठा रखी है। हालांकि इस बातचीत में आपको तलवार उठाने की ज़रूरत नहीं है, इस शख्स को तलवार उठाने की ज़रूरत नहीं है, पर बिना किसी बात के इसने तलवार उठा रखी है, जिससे कि मुझे ये समझ में आ रहा है कि ये थोड़ा सा नादानी है इस शख्स में। क्योंकि ये एक कार्ड बताता है कम्युनिकेशन, तो बातचीत में तलवार की क्या ज़रूरत है भाई, आप मुझे बताइए। अगर आप ऐसी एनर्जीज में हैं लियो, तो मैं आपसे कहूँगी नादानी मत कीजिए, सब्र रखिए, अपने इमोशंस को खुद पर हावी मत होने दीजिए, एक्साइटमेंट में ना कभी कभी। अब ये जो शख्स है इसका ध्यान कहीं और है और इसने इतनी बड़ी तीखी तलवार उठा रखी है। थोड़ी सी नादानी अगर इसने की तो ये जो तलवार है इससे अपना खुद का गला काट सकता है। आप मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। ये अच्छी चीज़ जो आपके जीवन में आना चाहती है उसको बैलेंस करने के लिए ये आग आ रही है आपके जीवन में। आग का मतलब रोशनी आ रही है, उजाला आ रहा है, लेकिन अगर जहां आपने इस आग के साथ खेलने की कोशिश की तो आपके खुद के ही हाथ जलेंगे। इसे अपनी रफ्तार में आने दीजिए, इसमें तेल डालने की कोशिश मत कीजिए, इसको बढ़ाने की कोशिश मत कीजिए। ये आग धीरे 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 अपने आप बढ़ती जाएगी, ये रोशनी अपने आप बढ़ती जाएगी, इसमें बस तेल मत डालिए। ये लालच नहीं लेकर आना कि मैं तेल डालूंगा तो ये बहुत बड़ी एनर्जी जो है अपने आप हो जाएगी। नहीं, चीज़ों का अपनी रफ्तार है, चीज़ों की अपनी रफ्तार है, अपने आप ये आग बढ़ेगी, ये शोला बढ़ेगा, इसमें तेल नहीं डालना, लेकिन जहाँ तेल डाला स्वाहा। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो वो काम नहीं करना, वो हरकत नहीं करनी आपने। अगर ये किसी ऐसे शख्स की एनर्जी है जो आपके सराउंडिंग में है, जिसके साथ आप डील कर रहे हैं, तो ध्यान रखिए आप इस शख्स से थोड़ी सी दूरी बनाकर रखिए। हो सकता है ये शख्स आपको उसके शब्दों के साथ आपको आहत करने की कोशिश कर सकता है। टू बी ऑनेस्ट, ये शख्स काफ़ी हार्श हो सकता है, यंग एनर्जी है, लेकिन
काफ़ी हार्श एनर्जी है, ब्लंट एनर्जी, यू नो, तीखे शब्द, बस बोल देना, बोल दिया तो बोल दिया, ये वो एनर्जी है। लेकिन मैं अगेन कह रही हूँ, ये जो तलवार है, अगर इसे ठीक ढंग से इस्तेमाल नहीं किया गया तो इससे आप अपनी ही गर्दन को काट सकते हैं। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिए, थोड़ा सा बैलेंस रखिए। ये जो आग आ रही है, ये रोशनी आ रही है ना, ये अपने आप ही अपनी रफ्तार के साथ आपके जीवन में बढ़ेगी, रोशनी बढ़ेगी, लेकिन अपनी रफ्तार के साथ, ठीक है। तो अभी आपकी जो ओवरऑल गाइडेंस है वो देख लेते हैं। टू मोर टाइम्स, वन मोर टाइम, शून्य, थैंक यू। लिसन टू बॉब प्रॉक्टर, पैराडाइम शिफ्ट, आई एम ओपन टू चेंज, वेरी इंटरेस्टिंग, लुक एट दैट। तो पैराडाइम शिफ्ट हो सकता है कुछ लोगों के, जो बिलीव सिस्टम है आपका अभी तक, उसमें चेंजेस हो सकते हैं। जो आपके अभी तक मित्र रहे हैं, जिनके साथ आपका उठना बैठना हुआ है, हो सकता है एकदम से आपके जो मित्र की जो संगति है वो बदल जाए, क्योंकि आपको खुद को पता है कि वो जो दोस्त हैं आपके, वो आपको इतना सर्व नहीं कर रहे। तो बॉब प्रॉक्टर ये बहुत ही खूबसूरती के साथ पैराडाइम शिफ्ट के बारे में बात करते हैं। तो कुछ लोगों के लिए ये गाइडेंस है कि आप इनको सुन सकते हैं, इनकी एफर्मेशंस को, इनकी मेडिटेशन को, और अपने माइंड को काबू में कर सकते हैं। पैराडाइम शिफ्ट क्या है, और सब कॉन्शियस ब्लॉक्स जो हैं, जो कि आपको काट काट कर अगर अंदर से कुछ चीज़ें खा रही हैं, तो उन्हें काबू में करने का सबसे आसान तरीका है पैराडाइम शिफ्ट। तो ज़रूर इस चीज़ को ध्यान में रखिए कि आप इसकी गाइडेंस को यूज़ कर सकते हैं इस आने वाले हफ्ते में। एंड आई एम ओपन टू चेंज अगेन, रेडी सोल ग्रोथ चेंज। जो ये चेंज आ रहा है, इसे रिजिस्ट नहीं करना, जहां रिजिस्ट किया वहां पर बेड़ा गर्क। मैं सच में सीधे शब्द में बता रही हूँ आपको, रिजिस्ट नहीं करना, उसको आने दीजिए। ये चेंज की उसमें उसको तेज या स्लो करने की भी ज़रूरत नहीं है, उसकी अपनी रफ्तार है, उसको आने दीजिए अपनी ही रफ्तार के साथ। और वो देखिए कि चीज़ें कैसे अनफोल्ड हो रही हैं, मैनिफेस्ट हो रही हैं। आप सिर्फ अपना काम कीजिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ कर रहे हैं तो अपना काम कीजिए बस, बाकी तो छोड़ दीजिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की नींव क्या है कि बाकी सब भगवान पर छोड़ दीजिए, जो आपका करना है बस वो कीजिए, ठीक है। तो इसी के साथ सिंह राशि के लोगों के लिए ये गाइडेंस आने वाले मंथ के लिए। मैं आपसे मिलूंगी बहुत जल्द आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए गाइस, बाय बाय।